हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि किसी ने हमसे कहा था, एक्चुअली दिस चैनल नेम एजुकेशन वाला, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू फिजिक्स वाला। सो उन्होंने हमसे बोला था कि आप हिस्ट्री पढ़ाने भी स्टार्ट करो। तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जैसे हम लोग ज्योग्राफी स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं सिक्स क्लास से, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम सिक्स क्लास से हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, आसान एक तरीके से कहते हैं, एक पोएम और एक स्टोरी की तरह होती है, उसको हम एक स्टोरी की तरह ही देखेंगे। इसमें कुल दो चार मेन पॉइंट होते हैं बस, और जो डेट होती है उनको हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि उन्हीं के अराउंड ये सारी जो हिस्ट्री है, सारा इतिहास है, वो घूमता है। हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री सभी की हिस्ट्री हो सकती है, मेरी भी कुछ हिस्ट्री हो सकती है। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री मीन्स पास्ट, ठीक है। आपकी भी कुछ हिस्ट्री हो सकती है, सभी लोग सभी चीज़ की कुछ हिस्ट्री हो सकती है। इस पेंसिल की कुछ हिस्ट्री हो सकती है, क्या हिस्ट्री हो सकती है सोचो, इस पेंसिल की हिस्ट्री हो सकती है कि ये पता नहीं कौन से पेड़ से कटी होगी, कौन से पेड़ की लकड़ी होगी, फिर उसके बाद इसमें कैसे इसके अंदर ग्रेफाइट डाला होगा। ये जो ब्लैक चीज़ होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, जिससे हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे इसके ऊपर कलरिंग की गई होगी, ये सारी चीज़ें होती है, सबकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर एनसीईआरटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इस बुक का नाम पहले आपको बता देती हूँ, इस बुक का नाम है अवर पास्ट, PASTS। अब यहाँ पे पास्ट से क्या मतलब है, आपने नोटिस किया इस बात को? मैंने तो पास्ट बोला, PAST, पास्ट मतलब हम लोगों का पास्ट, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ है अवर पास्ट, PASTS। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम इस बुक में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक एंगल से पास्ट को नहीं समझेंगे, एक एंगल से किसी की हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ों की चीज़ें देखनी, जैसे कि किसान की क्या लाइफ हुआ करती थी, हर्डर्स जो हुआ करते थे, जो खाने बदोश हुआ करते थे, उनकी क्या लाइफ हुआ करती थी, जो घरों के आसपास लोग रहा करते थे उनकी क्या लाइफ हुआ करती थी, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते थे, वहाँ के लोग कैसे घरों में रहते थे, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम सबके अलग अलग रेस्पेक्ट में चीज़ें देखेंगे। जैसे कि कोई किसान है, वो अपनी लाइफ कैसे जीता था, कोई पहले के टाइम पे वो जाति व्यवस्था हुआ करती है ना, उसी टाइप की, तो वहाँ का वो चीज़ कैसी है, ठीक है। किसान वहाँ पे कैसे रहा करता था, मूर्तिकार कैसे रहा करता था, और चरागाहें कैसे रहा करते थे, मतलब सबकी लाइफ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इस वजह से क्या होगा, हम लोग सारी चीज़ें आराम से और सबके बारे में देखेंगे, सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबको अलग एंगल से देखेंगे। इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, आवर पास्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पास्ट में क्या हुआ करता था, जो आपका घर है पास्ट में वहाँ पे क्या हुआ करता था, जो दिल्ली है, जो दिल्ली में पहले कैसी चीज़ हुआ करती थी और अब कैसी चीज़ होने लगी, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, राजा रजवाड़े जो थे वो निवास करा करते थे, उनका घर था, ठीक है। और क्या हुआ करता था, किले थे बड़े बड़े, ठीक है, रोड कच्चे थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते वो कैसे हो गए, डेवलप होने स्टार्ट हो गए। लेकिन उनसे और अब से हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनमें अब हम इंटरेस्टेड हैं तो क्यों इंटरेस्टेड हैं, अब उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके बारे में इन बुक्स में लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, ठीक है। और हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों जानना है उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात आता था कि पास्ट यानी कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो पास्ट यानी कि हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को जान पाए जो पहले हुआ करती थी, जो पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। अब हमें उनको जानने की क्या जरूरत है, हम तो अपनी नई डेवलप कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, जब तक हम पुरानी चीज़ों को डिस्कवर नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे कि इस चीज़ में ऐसी चीज़ें थी, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते थे, तब तक हम उसमें इवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, समझे। इवोल्यूशन का मतलब, मान लो पहिया है, पहिया का आविष्कार किया गया था आदि मानवों के द्वारा, तो उन्होंने कैसे पहिया पहले सबसे पहले उन्होंने कैसा इवॉल्व किया, चौकोर टाइप में, फिर उन्होंने देखा कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, फिर उन्होंने क्या किया, उसको गोल करना स्टार्ट किया। तो अब क्या हुआ, फिर हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग आए तो हमें पता चला कि रबड़ की खेती होती है, तो हमने उस पहिए में क्या किया, रबड़ लगानी स्टार्ट करी। अब रबड़ लगानी स्टार्ट करी तो उस पहिए को और इवोल्यूशन हुआ, फिर इवोल्यूशन होते होते फिर क्या हुआ, उसमें ग्रिप बनानी स्टार्ट करी,
ग्रिप बनाने के बाद फिर क्या हुआ, उसमें जो आपने टायर देखा है गाड़ी को, टायर उसमें कुछ कुछ चीजें निकली सी होती हैं कांटों की तरह, वो फिर करना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि उससे ग्रिप अच्छी होती है। तो यही चीजें जो होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है किसी भी इंसान की, यानी कि किसी भी इंसान की पास्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आपको समझ में आया कि पास्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों का पता लगा सके और उन चीज़ों से हम लोग देख सके कि हाँ आगे हम लोग उस चीज़ को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं और कैसी कोई चीज़ अच्छी से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आगे चलते हैं हम लोग हम देखेंगे हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, सबसे पहले आपकी बुक में यही हेडलाइन दे रखी होगी, अगर आप अपनी बुक को ध्यान से देखोगे उसमें दे रखा होगा हाउ कैन वी नो अबाउट अवर पास्ट। तो अब हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं? हम अपने पास्ट को काफ़ी तरीक़ों से जान सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मिट्टी के अंदर कोई मान लो कपास का टुकड़ा मिला, ठीक है, कपास का बेसिकली इतने सालों तक गलने सड़ने के बाद मिट्टी के अंदर कोई चीज़ तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ उनके जो रेशे हैं वो तो हमें ऑफकोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ डिस्टिंग्विश हो सकती है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं कि उसके कोई अवशेष भी ना मिले, तो हमें वो चीज़ मिलेगी। तो हम उसको देखेंगे कि हाँ वो किस चीज़ से बनी हुई थी, क्या ऐसे पहले कोई और भी चीज़ थी जिससे हम अपने कपड़े बना सकते हैं, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी पहले जिससे हम ऐसे कपड़े बना सकें कि हमें गर्मी ही ना लगे कपड़े पहनने के बाद, क्या ऐसी कोई चीज़ थी कि जिससे हम ऐसे कपड़े बना सकें कि हमें सर्दी ना लगे कपड़े पहनने के बाद, मतलब हाँ कपड़े पहनने के बाद। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती क्या होती है, हम उसको एक्सकेवेट करते हैं, यानी कि उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कैसी चीज़ों से बर्तन बनाए जाते थे जिनसे खाया जाता था, क्या ऐसे बर्तन भी हुआ करते थे जिनसे हीट बाहर नहीं जाती थी, जैसे आपके टाइम पे कांच वाले जो बर्तन आते हैं जिनसे हीट बाहर नहीं जाती, पहले भी ऐसे हुआ करते थे, क्या गिलास हुआ करते थे पहले के टाइम पे, क्या पानी पीने के लिए सुराहियाँ हुआ करती थी पहले के टाइम पे, क्या पहले के टाइम पे पानी पीने के लिए जग हुआ करता था। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, वहाँ पे पूजा का सामान मिला करता था, तो वहाँ पे कैसे 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 पूजा की जाती थी, कैसे कुछ चीज़ों को संभाल के रखा जाता था। ठीक है, उन सारी चीज़ों के हम लोग बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं वेयर डिड पीपल लिव, जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे। तो जो लोग थे बेसिकली बुरा, सबसे पहले आपको पता है कि जो लोग थे उन्होंने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, गंगा नहीं बोल सकते, बेसिकली एक रिवर का नाम लेंगे कि सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, लोगों ने रहना स्टार्ट किया था नदियों के किनारे। ठीक है, अब नदियों के किनारे उन्होंने रहना क्यों स्टार्ट किया, नदियों के किनारे उन्होंने रहना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ उनको पानी इजिली मिल जाता था, तो उससे उनको खाना बनाना, उनके रोज़ की एक्टिविटीज़ करना, खाना पीना खाना, ये सारी चीज़ें क्या होती थी उनकी डेली लाइफ से, मतलब आराम से हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ करती थी। अब जब उन्होंने नदियों के पास जाना स्टार्ट किया, फिर क्या वो धीरे धीरे करते उन्होंने खेती करनी स्टार्ट करी। तो खेती करनी जब उन्होंने स्टार्ट करी, तो सबसे पहला जो स्थान था जहाँ पे गेहूँ की और बाजरे की खेती हुई, वो कहाँ पे, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच में, जो पहाड़ियाँ आप कहाँ पर हैं वो है पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, सुलेमान और किरथार वाला जो एरिया है, पहाड़ है, वो आप कहाँ पर हैं, पाकिस्तान वाले एरिया में है। और मैंने किसके बारे में बताया, गेहूँ और बाजरे के बारे में, लेकिन मैंने आपको चावल के बारे में नहीं बताया ना, जो चावल है वो अपने कहाँ पे हुआ करती थी, हमारे जो विंध्या पर्वत है मध्य प्रदेश में, जो विंध्याचल पर्वत है उसके नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कोल्डी हवा नाम की एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले क्या हुई थी, चावलों की खेती हुआ करती थी, समझे। तो ये चीज़ें हुआ करती हैं कुछ। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे, हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे सिर्फ नदियों के किनारे ही क्या हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि जो गंगा नदी है, जो गंगा रिवर है, वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो गंगा जो रिवर है वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुआ, 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2500 साल पहले वहाँ पे सिविलाइजेशन यानी कि रहना स्टार्ट किया लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, ठीक है, उसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो हमारे भारत का नाम इंडिया बहुत ही टेक्निकल तरीके से पड़ा, कैसे, जो बेसिकली जो ईरान के लिए लोग हुआ करते थे वो जो हमारे इंडिया में आया करते थे, वो क्या कहा करते थे, वो ये कहा करते थे क्योंकि जो सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, उसके जो ईस्ट में लोग रहते हैं, मतलब सिंधु रिवर यहाँ पे बहती है और ईस्ट ये है, वेस्ट वो है, तो सिंधु रिवर के जो ईस्ट वाला जो रीजन है, सिंधु रिवर की जो ईस्ट वाली कंट्री है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंडोज या हिंदोज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिंधु रिवर की वजह से हमारे इंडिया का नाम इंडिया यानी कि हिंदोज पड़ा।
ठीक है, अब देखेंगे भारत कैसे पड़ा। तो भारत कहा जाता है कि एक तरीके से एक कबीले का नाम था, एक कबीला था जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहा करता था। नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब जो पंजाब वाला रीजन था, वहाँ पे क्या हुआ कि जो भारत कबीला था उसने क्या किया, उसने जो अन्य राजा थे, क्योंकि जो जो यहाँ के मूल निवासी थे, बेसिकली इसको दशानन का युद्ध बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उसको डिफीट जो दशरथ यानी कि दशानन करके कुछ राजा हुआ करते थे जो कि नॉर्थ वेस्ट अपने इंडिया के मूल निवासी थे, उनको किसने हराया, भारत नाम के कबीले ने, उन्होंने उसको हराया, इस वजह से हमारे भारत का नाम भारत भी पड़ा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारी बुक में दे रखा है कि मतलब कि जो लोग हैं पहले के टाइम पे कैसे रहा करते थे। आपको पता है कि जो पहले के टाइम पे जो लोग थे वो हर्डर्स हुआ करते थे। हर्डर्स मतलब इधर उधर घूमने वाले, घूम के खाना बटोरने वाले, शिकार करने वाले, कच्चा खाना खाने वाले, उनको बाद में आग का पता लगा, फिर बाद में पका के खाने वाले। तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, हमारा तो समझ में आता है कि हम लोग शिक्षा लेने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, रहने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्यों लोग जाया करते थे, जो आदि मानव थे वो क्यों जाया करते थे, उनका खुद का काफ़ी रीज़न हुआ करते थे शिकार करने के लिए। सोचो कहीं पे किसी जंगल पे वो शिकार करने को, और वहाँ पे जो जानवर है बेसिकली अब ख़त्म हो गए हैं, तो क्या होगा, वो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे, है ना। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हुई, वहाँ पे जो लोग थे कहीं पे एक जगह पे खेती करते थे, जब वहाँ की ज़मीन बंजर होगी, पहले के टाइम पर उन्हें खाद के बारे में तो पता नहीं था, तो क्या करते थे, उस जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्यों, बंजर ज़मीन से निपटने के लिए, दूसरी जगह पे अच्छी खेती हो उस वजह से। ठीक है, और दूसरी बात ये हुआ करती थी कि मतलब वहाँ पे उनको सही जगह नहीं मिल रही, सेफ जगह नहीं मिल पा रही, बाढ़ आ गई, वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था, कारमा हुआ करते थे उनके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें औरतें हुआ करती थी, और अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाया करते थे पहले के टाइम पे भी हुआ करता था ये, मतलब जब मोर डेवलप्ड हो गए तो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको बाजरे के बारे में, गेहूँ के बारे में, और तो चावल के बारे में बताया कि कहाँ पे उनकी सबसे पहले खेती हुई। मैंने ये बताया आपको कि हमारे भारत का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। मैंने आपको ये बताया कि मतलब लोग इधर से उधर क्यों जाया करते थे। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको सुनो। एक चीज़ है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक चीज़ है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब वो होता है जब हम अपनी हैंडराइटिंग से किसी मुलायम चीज़ पर लिखते हैं, जब हम अपनी हैंडराइटिंग से किसी मुलायम पत्ते पर लिखते हैं या पत्ते पेड़ की छाल पर लिखते हैं, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जबकि इंस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं जब हम अपने हाथों से किसी सख्त चीज़ पर लिखते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ, कोई पत्थर हुआ, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें पास्ट के बारे में इन सब चीज़ों से ही पता चलता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे ये स्टोरीज हुआ करती थी, ऐसे ऐसे बच्चे कहानी सुना करते थे अपनी दादियों से, अपनी नानियों से। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, ऐसे खेल हुआ करते थे, ऐसे ये लोग लाइफ स्टाइल अपनी जिया करते थे, ऐसे खाना खाया करते थे। जैसे हमें काफ़ी सारी बच्चों के खिलौने मिले हैं। ठीक है, नृत्य पहले के टाइम में नृत्य की हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हमें टाइम से टाइम पता चलेगी, क्यों, क्योंकि हमें इनके अवशेष मिलते गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ करती थी। अब हम आगे देखते हैं, आगे आपको एक वर्ड दे रखा है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है जो मतलब इसके बारे में छानबीन करता है, किसके बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ मिली है उसके बारे में। ठीक है, और उनको संभाल के, सहेज के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं जहाँ पे उसके बारे में इन्वेंशन या फिर उसके बारे में और चीज़ें फाउंड की जा सके, तो उनको बोला जाता था आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ आती है किसके बारे में, वो चीज़ है BC और AD। अब BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब होता है एनोडोमी। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी किसे माने गए, फर्स्ट सेंचुरी उसे माने गए जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। उससे पहले की चीज़ों को सारी डेट्स को क्या बोला जाता है, BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, और उसके बाद की सारी डेट को क्या बोला जाता है, एनोडोमी बोला जाता है। तो जीसस के फर्स्ट सेंचुरी से पहले वाली जो चीज़ें हैं उसको क्या बोला जाता है, मतलब उसको बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो सारी चीज़ें क्या चलती है, उल्टी चलती है।
ठीक है, और जबकि यहाँ की जो चीज़ें वो सारी चीज़ें चलती सीधी चलती, क्योंकि एक के बाद दूसरे चल रहे, दूसरी चलती तीसरी चल रही, तो ये चीज़ें चलती गई। अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, चैप्टर बहुत ही आसान था और जो मेन पॉइंट थे बेसिकली हमें वही ध्यान रखना है, तो हमने सिर्फ वही आपको अच्छे से बताया। आई होप आपको समझ में आएगा, और मैंने इस रियल में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं छोड़ी है, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ कवर करी है इसमें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और खुश रहें और अपना ध्यान रखें।